एवरीवन, वेलकम बैक टू किड्स ग्रो। आज हम सीखेंगे फ्रैक्शन, ये भिन्न कहते हैं इसको हिंदी में, और इस टॉपिक को सीखना बहुत जरूरी है। मैथ्स में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बेसिक जो इसका लेवल है आज हम वो सीखेंगे इस वीडियो के थ्रू। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दीजिएगा। तो चलो देर न करते हुए अब स्टार्ट कर देते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि फ्रैक्शन होता क्या है। फ्रैक्शन डिवाइड करते हैं हम एक डिजिट को दूसरे डिजिट से। अब इसमें जो अगर मैंने इस तरीके का एक डिजिट इस तरीके से ले लिया है, ये हमारा फ्रैक्शन का तरीका है लिखने का। ऊपर एक डिजिट होता है और नीचे एक डिजिट होता है, यानी कि हम आपको पता है कि भाग किस तरीके से लिखते हैं। जैसे हमें किसी को किसी से भाग देना है तो हम ठीक इसी तरीके से लिखते हैं डिवाइड करने के टाइम पे। अब ऊपर वाले हिस्से को क्या कहते हैं, यानी कि ऊपर वाला जो डिजिट है उसको हम कहते हैं न्यूमरेटर, और जो नीचे वाला जो होता है उसको हम क्या कहते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, इस तरीके से हिंदी में हम कहते हैं इसको अंश और हर। ठीक है, अंश और हर कहते हैं इसको। अब यहां पर देखो, यहां पर इसके मैं कुछ तरीके आपको पहले बता देती हूँ फ्रैक्शन को समझने के, बहुत इजी तरीके से, जिसको मतलब बहुत इजी सा समझना है। जैसे यहां पर 3/4 है, तो 3/4 का मतलब क्या है? 3/4 का मतलब है किसी भी चीज के, किसी भी वस्तु के चार भाग हैं, तो उस चार भाग में से हम जब शो कर रहे हैं 3/4, यानी कि इसके तीन हिस्से को हम शो कर रहे हैं, यानी कि ये तीन हिस्सा कवर करना है हमें। यानी कि हम किसी को जब दे रहे हैं 3/4, यानी कि उसको चार हिस्से में से तीन हिस्से दे रहे हैं और एक हिस्सा छोड़ के देते हैं। ठीक है, तो अब 1/4 है, ठीक इसी तरीके से, तो चार हिस्से हैं, तो 1/4 ऐसे। ठीक है, 1/4 इस तरीके से शो होगा कि हमने चार, 1/4 मतलब अगर किसी को हम 1/4 वस्तु दे रहे हैं, यानी कि चार भाग का एक भाग ही उसको दे रहे हैं। 2/4 ठीक इसी तरीके से, दो भाग इस तरीके से, चार भागों के दो भाग को हम फिल करेंगे। अब यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे 1/2 है, यानी कि किसी भी वस्तु का 1/2 जब हम किसी को देते हैं तो यानी कि वो दो भाग का एक भाग हम उसको दे रहे हैं। अब 2/3 है, तो तीन हिस्से करे हमने उसके, और तीन हिस्से में से दो हिस्से हमें किसी को दे देने हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे देखो, 1/3 है, तो तीन हिस्से किसी एक वस्तु के, तीन हिस्से, ठीक है, किसी एक वस्तु के तीन हिस्सों में से एक हिस्सा हमें किसी को देना है। तो ये समझने का बहुत ही बेसिक और सिंपल तरीका है, जो पिक्चर के थ्रू ज्यादा इजी तरीके से समझ में आता है। इसके बाद हम इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे। जैसे कि हम पहले स्टार्टिंग में एडिशन को लेते हैं। एडिशन को करने से पहले आपको जरूर बताऊंगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो को देखते देखते लाइक जरूर कर दीजिएगा, वरना आप लोग लाइक करना भूल जाते हो। तो चलो एडिशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक सिंपल एडिशन लेते हैं, यानी कि जब न्यू जो हमारा डिनोमिनेटर है वो सेम है। देखो यहाँ पे सेम है, तो सेम करने में जैसे कि मैंने आपको एडिशन के टाइम पे बताया था, सबसे पहले नीचे हमें इन दोनों का एलसीएम लेना है, तो एलसीएम जब लेंगे तो तीन ही आएगा क्योंकि एक एक से चला जाएगा। तो यहाँ पर सिंपल हमें तीन लिख देना है, और ये तीन एक से गुणा करेंगे तभी यहाँ पे तीन आएगा, तो ऊपर भी एक से होगा, यहाँ पे भी एक से ही होगा। तो यानी यहाँ पे आ जाएगा 2+4, यानी कि क्या हो जाएगा 6/3। तीन से इसको भाग दे देंगे 6/2, तो हमारा उत्तर आ जाएगा 2। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। उसके बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पर दोनों अलग अलग है। अब इसको क्या यहाँ पे सिंपल तरीके से तो नहीं लिख देते हैं, सिंपल वाला होता है तो हम देखकर यहाँ पे तीन है, यहाँ पे भी तीन है, हम यहाँ पे तीन लिख देते हैं। अब यहाँ पर क्या करना है, हमें 4 और 3 का एलसीएम निकालना है। 4 और 3 किसी से एक से नहीं जाएगा, तो अब हमें क्या करना है, 4 × 12, ठीक है, 12 यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम 12 लिख देंगे, और 12 लाने के लिए हमें यहाँ पर देखो 4 को 3 से करना पड़ेगा और 3 को 4 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, तभी यहाँ पे 12 आएगा। अब ऊपर भी सेम, नीचे जिससे करेंगे ऊपर सेम उसी से, नीचे जिससे करेंगे ऊपर सेम उसी से। अब 2 × 3 = 6, ठीक है, +5 × 4 = 20, अब क्या आ जाएगा 26/12। अब जब इस तरीके से आते हैं ना, जैसे सम सम है, दोनों इवन नंबर है, तो हम क्या करेंगे, 2 जो सबसे छोटी संख्या होती है उससे इन दोनों को काटने की कोशिश करेंगे। तो 2 × 12 और 2 × 1 = 2 × 6, ठीक है, इस तरीके से। अब ये नहीं कट रहा है तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा 13/6, ठीक है, ये वाला इसका फाइनल आंसर होगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम भिन्नों का क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। सब्ट्रैक्शन देखो कैसे करना है, सेम उसी तरीके से, पहले मैंने सिंपल वाला दे दिया है, तो सिंपल में क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, मैं बार बार आपको एलसीएम करके नहीं बताऊंगी, तो 3 आ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 और 1, क्योंकि यहाँ पे 1 से करेंगे और इसको भी 1 से करेंगे, ठीक है, और सेम ऊपर भी इसी तरीके से, तो यहाँ पे 2 और 1 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/3 इसका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर अलग अलग है, अलग अलग है, ये किसी एक से नहीं जाएगा, ठीक है, किसी एक से नहीं जा रहा है, तो 5 × 3 = 15, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम 15 लिख देंगे। अब 15 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 3 से और इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो, नीचे 3 है तो ऊपर भी 3, नीचे 5 है ऊपर भी 5, तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, 6 × 3 = 18 − 5 = 5, तो कितना आ जाएगा, माइनस करके 18 में से 5 = 13 और नीचे 15, ठीक है, 13/15। अब ये किसी से क्या डिवाइड हो सकता है, नहीं हो सकता, किसी एक संख्या से डिवाइड नहीं हो सकता, तो हमारा यही इसका आंसर होगा। तो अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई कैसे करना है, मल्टीप्लाई करते वक्त हमें सिंपल कुछ नहीं करना है, यहाँ पे नीचे वाले को नीचे से मल्टीप्लाई कर देना है, ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि 3 × 2 = 6
और दो तिया छह, सेम सेम आ जाएगा, तो इसको आप डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए डिवाइड कर देंगे, एक से जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारा एक। ठीक है, इस तरीके से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद डिवाइड का देखते हैं, डिवाइड में भी हमें सेम इसको इससे डिवाइड करना है, तो डिवाइड करते समय क्या होता है, डिवाइड करते समय इधर वाला पोर्शन उल्टा कर देते हैं, या तो आप इसको ऐसे कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई भी समझ में नहीं आता कि किसको हमें नीचे लिखना है किसको हमें ऊपर लिखना है, तो सिंपल यहाँ पे जैसे दो बटे तीन है और भाग में तीन बटे चार है, तो इसको क्या करेंगे, जब इसका आंसर निकालना होगा हमें, तो दो बटे तीन मल्टीप्लाई इसको उल्टा कर लो चार बटे तीन। ठीक है, तो अब हम सिंपल कर सकते हैं, चार दूनी आठ और तीन तिया नौ, ये डिवाइड नहीं हो सकता, तो यही इसका आंसर होगा। तो इस तरीके से डिवाइड करने में आपको सिंपल होगा, आपको ये समझने में आसानी होगी कि अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो किसको नीचे लिखना है किसको नहीं, तो ये समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए हमें क्या करना है, इसको आप उल्टा कर लो, उल्टा करने के बाद मतलब डिवाइड में जिसको करना होता है वो उल्टा कर लो, उसके बाद आप इस तरीके से कर सकते हो। तो ये बहुत ही ईजी तरीका है। तो ये था हमारा मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब फ्रैक्शन का एक और पार्ट है जिसको हम इस तरीके से भी लिखते हैं सिंपल। आप जैसे जानते हैं कि जब हम भाग करते हैं, अगर पांच बटे तीन लिखते हैं, तो इस पांच बटे तीन का मतलब क्या है, पांच को हम तीन से भाग दे रहे हैं, तो तीन से भाग देने के बाद क्या होगा, यहाँ पे तीन एकम तीन, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, दो बच जाएगा। तो इस दो का मतलब ही होता है यहाँ, और ये जो एक होता है यहाँ पे, ये होता है शेषफल। क्या होता है ये यहाँ पे, शेषफल। ठीक है, तो इस तरीके से लिखने का मतलब यही तरीका है इसका, और कुछ तरीका नहीं है। अब अगर आपको इस तरीके से देने के बाद, यानी कि यहाँ पे एक सही दो बटे तीन, यहाँ इसको ऐड करना है पांच सही तीन बटे चार से, तो इसको हम कैसे ऐड करेंगे, तब आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ पर इसको ऐड कर देना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे तीन एकम तीन और दो पांच, पांच बटे तीन प्लस चार पंजे बीस और तीन तेईस बटे चार। अब इसको ऐड कर सकते हैं, अभी आपको सिंपल हो गया है जैसे आपने अभी तक समझा था, तो सिंपल इसको आपको याद रखना है। दो अगर एक इस तरीके से आपको भिन्न दे दिया है, तो इसको आपको ऐड करने के लिए तीन को इससे मल्टीप्लाई करें, यानी कि तीन को इससे मल्टीप्लाई करें और इसमें क्या कर दे, जो हमारा ऊपर है उसको ऐड कर दे। तो यही आपको याद रखना है, इसके बाद आप इस तरीके से करके, सिंपल तरीके से करके आप इसको ऐड कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, या फिर इसको आप ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड भी आप कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो के थ्रू हमने जो भी फ्रैक्शन के डिवाइड एडिशन और मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्शन सारी चीजें सीख ली है। तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके लिए यूजफुल होगी, दूसरों को शेयर जरूर कीजिएगा जिससे दूसरों को भी हेल्प मिल सके, दूसरों के लिए भी यूजफुल हो सके। और अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे और भी मैं ऐसी मजेदार वीडियो आपके लिए ला सकूं।